नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में शामिल, पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, गजेंद्र राजू खेड़ी समेत 3 पूर्व एमएलए ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राहुल गांधी की पारा जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ज्वाइन की। सूत्रों की माने तो सुरेश पचौरी की भाजपा नेताओं से बातचीत चल रही थी। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को भाजपा का दुपट्टा पहनाते वक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मजाकिया अंदाज में कहा, साले तेरी गाली सुनी और तेरे को लेना पड़ रहा है। ये सुनकर संजय जोर से हंस दिए। साथ में कैलाश ने भी का लगाया, उनके इस मजाक का वीडियो भी सामने आया। पचौरी बोले, कांग्रेस की जात की बात से जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। सुरेश पचौरी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से हमें मंत्र सीखना है कि चुनाव लड़े तो जीता कैसे जाता है। मेरा ध्येय समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का था। कांग्रेस में एक नारा लगा था, न जात का न पात का, लेकिन कांग्रेस में नारा दरकिनार कर दिया गया है। आज जाति की बात हो रही है, इससे जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। पिछले दिनों में जो राजनीतिक और धार्मिक निर्णय हो रहे हैं वो दुखी करने वाले हो रहे हैं। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना गलत। पचौरी ने कहा, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रहा तो इसके निमंत्रण पत्र को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर ठुकरा दिया गया। स्वरूपानंद सरस्वती जी का दीक्षित शिष्य हूं। पचौरी ने कहा, मुझे तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने भेजा कि शंकराचार्य जी से पूछ कर आओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा अयोध्या में शिलान्यास हो और मंदिर बने। सितंबर 1999 में राजीव ने जवाब दिया कि तदनुसार काम हो। फिर हम तत्कालीन गृह मंत्री के साथ गए और वहां शिलान्यास किया। वहां अशोक सिंगल जी थे। फिर अब निमंत्रण पत्र अस्वीकार करने की आवश्यकता कहां से पड़ गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।